जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी भी अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू पहुंचे हैं, समय एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। देखते क्या कह रहे हैं। ताजिया का जुलूस शांतिपूर्वक तरीके से निकला है। अमरनाथ की यात्रा हो या माँ वैष्णो देवी की यात्रा हो, रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों ने जम्मू कश्मीर की विजिट की है और यहाँ के टूरिज्म में बहुत बड़ा बदलाव आया है और बढ़ोतरी हुई है। संपूर्ण टेरर इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए ढेर सारे काम करे गए और अभी अभी मैं एनसी का घोषणा पत्र पढ़ता था, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का घोषणा पत्र जारी करती है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल इसका मौन समर्थन करती। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे। मैं बता देता हूं, वो पूर्णतया सहमत है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से दो झंडे प्रस्तापित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? क्या आप 370 फिर से वापिस लाना चाहते हो? इसकी बात आपने करनी चाहिए। मित्रों, एक दूसरी बात, भारत सरकार की 300 व्यक्तिगत लाभ की योजना है, जैसे 5 लाख तक का हेल्थ का पूरा खर्चा जम्मू कश्मीर उठाती है, हर घर में पीने का पानी पहुंचाना है, हर घर में बिजली पहुंचानी है, इस प्रकार की 300 अलग अलग व्यक्तिगत लाभ की योजना है। 300 में से 259 में जम्मू कश्मीर देश में नंबर वन पर है। इससे मालूम पड़ता है कि पूरा परकोलेशन और हम 100% सेंचुरेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की जनता हमें मैंडेट देती है तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगले 2 साल में 100% सेचुरेशन हम कर दिखाएंगे। भाई और बहनों, हमने जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषणा पत्र में ढेर सारे संकल्प लिए हैं, मगर मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, हमारा सबसे बड़ा संकल्प है शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना। भाई और बहनों, ये 10 साल में जो हुआ है, हम काफी मंजिल के काफी नजदीक। एक बार जम्मू कश्मीर की जनता का, आवाम का अगर हमें आशीर्वाद मिल जाता है तो मैं भरोसे से कह सकता हूं, भारत के बाकी हिस्सों की तरह यहां के बच्चे भी भारत के विकास में योगदान भी देंगे और जम्मू कश्मीर में साच अर्थ में स्वर्ग बनाने का काम यहीं के युवा करेंगे। हमने तय किया है कि महिलाओं के उत्कर्ष के लिए कई सारे निर्णय करेंगे। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 LPG सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष DBT के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जम्मू और कश्मीर के युवाओं को JKPSC और UPSC की प्रतियोगी परीक्षा में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फी का रीएम्बर्समेंट करेंगे।
परीक्षा केंद्रों तक ट्रैवल कॉस्ट को हम रीएम्बर्स करेंगे। दूर दराज के क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को जो छात्र छात्राएं हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा पीर पंजाल की और दोनों और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाला है, उनको हम टैबलेट और लैपटॉप प्रदान करेंगे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड का हम स्थापना करेंगे। पीर पंजाल की जम्मू की ओर सारी संभावना है टूरिज्म को डेवलप करने की, मगर जो स्टेप मदर एटीट्यूड के तहत एनसी के नेतृत्व में घाटी की पीर पंजाल की इस ओर कोई टूरिज्म विकास का काम नहीं हुआ, हमने तय किया है जिला रजौरी में ठंडा मंडी के आसपास एक आकर्षक पर्यटन शहर नया बनाएंगे, जो पहलगांव से भी ज्यादा आधुनिक होगा और वो पहलगांव का भी पूरक होगा। टूरिस्ट यहां पर 5 दिन रहेगा तो 3 दिन पहलगांव भी जाकर रहेगा, और वो जो वहां जो 7 बड़ी झीलें हैं, वो 7 झील और झरने को जोड़कर एक बड़ा पर्यटन स्थल हम बनाने का काम करें। वाटर स्टोर को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर शहर की डल झील और डल झील के विकास से उसको विश्व स्तरीय एक लेक पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे। श्रीनगर के टैटू ग्राउंड में एक बहुत बड़ा एम्यूजमेंट पार्क बनाकर, जिसमें बच्चा अगर एक बार घुस गया तो 3 दिन तक वापिस ना आए, ऐसा आकर्षक स्थान हम टैटू ग्राउंड के अंदर बनाएंगे। आईटी हब की स्थापना दोनों जगह करेंगे, जम्मू और कश्मीर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन आईटी का जम्मू में बनाएंगे। गुलबर्ग और पहलगांव में मॉडर्न टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर से एक्सपांशन करेंगे। उधमपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क, किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क, और इसके साथ साथ तवी रिवर फ्रंट को हम विश्व स्तर का बनाकर जम्मू के पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। रणजीत सागर बांध में झील विकास प्राधिकरण बनाकर रणजीत सागर बांध को भी पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे। हमने एक नई ल्यूक्रेटिव औद्योगिक नीति लाने के कारण जितना इन्वेस्टमेंट 70 साल में हुआ था, इससे 3 गुना इसमें इन्वेस्टमेंट अब तक कश्मीर में हो चुका है, जम्मू कश्मीर में हो चुका है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर की 7000 औद्योगिक नीति आने की पहले की जो मौजूदा इकाइयां हैं, उनके लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक आकर्षक पैकेज लाकर बंद पड़ी सारी इकाइयां फिर से उत्पादन करती हो, इस प्रकार का हम एक पैकेज लेकर आएंगे। बाजारों और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर काम कर रहे छोटे व्यापारी और दुकानदारों के लिए लीज डीड सालों से इसका नियमितीकरण नहीं हुआ है, हम उसको रेगुलराइज करने का काम करेंगे। अटल आवास योजना में भूमिहीन के लिए 5 मरला भूमि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी, और घर बांधने का खर्चा नरेंद्र मोदी जी वहां से भेज रहे हैं, तो गरीब को भूमि भी मिलेगी, घर बनाने का खर्चा भी मिलेगा। यूटिलिटी और पब्लिक सर्विसेज के लिए एक समाधान समस्या, बिजली और पानी के बकाया बिलों के लिए एक समाधान योजना लेकर बकाया बिलों पर हम बड़ी राहत देने का काम करेंगे। हर घर नल से जल में 100% सैचुरेशन करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में केंद्र की राशि में पर हाउस पर घर ₹10,000 की सब्सिडी राज्य की ओर से जोड़ी जाएगी। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता का जो पेंशन है उसको हम 1,000 से बढ़ाकर 3,000 करेंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेज ढेर सारे बनाए, सीटें बढ़ाई है, मगर अब हम चाहते हैं कि बाहर के बच्चे भी यहां पढ़ने आए तो अतिरिक्त 1,000 नई सीटों की बढ़ोतरी सिर्फ आने वाले
तीन साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पीएम किसान निधि, मोदी जी 6,000 रुपया हर किसान को भेज रहा है, ये भेज रहे हैं, उसमें हम 6,000 के साथ और 4,000 जोड़कर हर किसान को 10,000 रुपया मिलने की बात करेंगे। कृषि गतिविधियों के लिए बिजली दर को 50% कम कर कृषि गतिविधियों में एक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति का पालन करते हुए सामान्य कोटा को प्रभावित करे बगैर अग्निवीरों को 20% कोटा देकर उसमें जम्मू कश्मीर के अग्निवीरों को हम प्रायोरिटी देंगे। एडहॉक संविदा दैनिक वेतन भोगी का समस्याओं का समाधान मैं हमारे साथियों का ढेर सारा प्रतिनिधिमंडल झेल चुका हूं, ये बेचारे कुछ बोलते नहीं है, मगर मैं कहता हूं इसका निश्चित समाधान लाकर सबका जीवन के अंदर एक नया उजाला लाने का हम काम करेंगे। 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी, जम्मू और कश्मीर दोनों बहुत जल्द ही मेट्रो से युक्त हो जाएंगे और मेट्रो हमारे यहां भी होगी। ऋषि कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान, 1,000 खंडहर हुए आतंकवाद की बलि चढ़े मंदिरों का जीर्णोद्धार और वहां अखंड पूजा हो इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। टीकूलाल टपरू विस्थापित समाज पुनर्योजना में अनेक प्रकार के नए प्रावधान हम जोड़ने जा रहे हैं, मैं अभी बताना नहीं चाहता हूं। और ये जो ब्लेम गेम चलता है जम्मू कश्मीर में, जो 40,000 लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? अभी तो राष्ट्रपति शासन था, हम कुछ करना नहीं चाहते थे, मगर जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद हम एक व्हाइट पेपर घोषित कर ये आतंकवाद फैलाने वालों की, उसके पोषण करने वाले की जिम्मेदारी तय करेंगे। और हम पिछले वर्षों से विपरीत, पिछले वर्षों में जम्मू को अन्याय होने वाली, कुछ जातियों, कुछ समूहों, कुछ उपासना पद्धति वालों को अन्याय करने वाली जो जनगणना हुई थी, इसको समाप्त कर स्वतंत्र और निष्पक्ष जनगणना कराएंगे जो सबके साथ न्याय करेगी, किसी का तुष्टीकरण करेंगे। और सबसे बड़ा वादा है आतंकवाद पर जो प्रहार चालू है उसको और कड़ा कर आतंकवाद को भारत की सरहदों के उस पार भेज देंगे, यहां से आतंकवाद को हमेशा के लिए हम समाप्त कर देंगे। भाई और बहनों, घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए एक संतुलित घोषणा पत्र हमारे घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में बना है, मैं उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जम्मू कश्मीर की जनता को अपील करना चाहता हूं, कहीं आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आए बगैर इनका मूल मकसद ध्यान से स्टडी कर लेना। उनका मूल मकसद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने वो एजेंडा को अपनी मौन सम्मति दी है। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, क्या इस देश में दो राष्ट्र, दो झंडे, दो ध्वज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ आप सहमत हो या नहीं वो बताइए। 370 के बारे में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सहमत हो या नहीं वो बताइए। मित्रों, वो एजेंडा बहुत खतरनाक एजेंडा है, वो फिर से घाटी में और जम्मू में भय का राज प्रस्थापित करना चाहते हैं, आतंकवाद के माध्यम से भय कर तीन तीन पीढ़ी तक शासन किया है। और मैं आज सबको बिना निसंकोच बताना चाहता हूं मित्रों कि मैं यहां घाटी में भी कई बार आया हूं, जम्मू में भी कई बार आया हूं, अब जो टेररिज्म के साथ है जम्मू कश्मीर इनके साथ नहीं रहेगा। यहां की आवाम ने तय किया है कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अतः मैं जम्मू और कश्मीर
दोनों क्षेत्रों की जनता को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, एक 5 साल मोदी जी को दे दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम जम्मू कश्मीर को देश के सबसे विकसित प्रदेशों में शुमार करना चाहते हैं। वो हमारा मादा भी है, हिम्मत भी है, कार्य योजना भी है और हमारा पास्ट रिकॉर्ड भी है। मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर की जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपना संकल्प पत्र घोषित किया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे बाद में आएंगे अक्टूबर के महीने में ही। तो संकल्प पत्र में कई अहम बातें हैं, लेकिन जो बड़ी बात अमित शाह ने यहाँ पर बोली, जो विकास योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया, उसके अलावा जो बड़ी बात उन्होंने बोली वो उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर एक श्वेत पत्र लाया जाएगा और आतंकवाद का समर्थन करने वाले, आतंकवाद को पोषित करने वाले, हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार लोगों को बेनकाब किया जाएगा।